हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं रंजनी गुप्ता, अवास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम बच्चों की पढ़ाई बोलते हैं, क्योंकि इसी चीज के लिए पेरेंट्स, स्पेशली पेरेंट्स, भैया हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा, हमारा बच्चा का ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा, मोबाइल में लगा हुआ है, लैपटॉप में लगा हुआ है, बाहर खेलने जाना तो आजकल बहुत कम लोग बोलते हैं, लेकिन स्टिल हर किसी की एक ही प्रॉब्लम है, बच्चा पढ़ नहीं रहा, बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन, हमारा सब कॉन्शियस माइंड ने हमको ये कंफर्म कर रखा है कि हमारा पूरा ध्यान, हमारा जो ध्यान होगा, जो हमें बचा के रखना है, एजुकेशन जो हमें अपने पास संभाल के रखनी है, हमारा पूरा का पूरा जो सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न है ना, वो इस तरह से है कि घर के वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में, वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच का जो जोन होता है, वेस्ट साउथ वेस्ट, उस जोन में जो भी चीजें रखी हैं, हमारा दिमाग उनको कंजर्व करता है, हमारा दिमाग उनको बचाना चाहता है। तो हमारा दिमाग जब उनको बचाना चाहता है, उनको कंजर्व करना चाहता है, तो वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में अगर आपने मोबाइल रख रखा है, तो आपके बच्चे का ध्यान कहाँ जाएगा? मोबाइल में। जब भी वो पढ़ने के बारे में सोचेगा, कुछ कंजर्व करने के बारे में सोचेगा, तो उसका दिमाग मोबाइल में जाएगा। वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर आपने लैपटॉप रख रखा है, या मैगजीन्स रख रखे हैं, या खेलने का सामान रख रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे में उसका दिमाग इन सब चीजों की तरफ जाएगा। वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट है, तो ऐसे में आप उस घर के बच्चों को ये कहता हुआ सुनेंगे, पढ़ता तो हूं लेकिन याद नहीं रहता, पढ़ता तो हूं लेकिन टाइम पर भूल जाता हूं, क्योंकि कंजर्व करना था लेकिन वहां पर क्या है, टॉयलेट, जो कि फ्लश आउट करने की एक्टिविटी कर रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल्स जा रहे हैं कि वहां पर जो भी बेसिकली इस जगह पर, इस यहां पर कुछ कंजर्व मत होने दो। वेस्ट साउथ वेस्ट सेविंग का जोन है, एजुकेशन का जोन है। अगर वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में टॉयलेट आ जाता है, तो सेविंग्स नहीं होंगी, एजुकेशन में बच्चों को प्रॉब्लम आएंगी। तो वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट है, तो आप उसका ट्रीटमेंट इस तरह से कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आई बटन पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं किस तरह से हम टॉयलेट को ट्रीट कर सकते हैं। वेस्ट साउथ वेस्ट का टॉयलेट व्हाइट कलर की 2.8 इंचेस की फ्लोर टेप से होता है, ठीक है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 2.8 इंचेस, कम से कम 2.8 इंचेस चौड़ी फ्लोर टेप व्हाइट कलर की, इससे आप अपने टॉयलेट को ट्रीट कर सकते हैं। दूसरी चीज, मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देती हूँ। आज वो बच्चा आईएएस ऑफिसर है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब मैं उनसे मिली थी, उन्होंने बोला कि जो मतलब बच्चा था बेसिकली, उसने सिर्फ इतना बोला मुझे कि दीदी मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लगता, मुझे नहीं पता मम्मी पापा क्या करा रहे हैं क्या नहीं करा रहे घर में, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं चाहता हूं कि मैं आईएएस के एग्जाम्स दूं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता ही होता है कि मेरा मन नहीं लगता, जब भी पढ़ने बैठता हूं कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहते हैं। तो मैंने कहा ओके फाइन, मैंने उनका पूरे घर को ग्रिड किया। आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपने देखा होगा कि मैं घर का चार्ट बनाती हूँ, और घर का चार्ट बना के उसको ग्रिड करती हूँ, इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। मैंने उनके घर को ग्रिड किया और उसके बाद देखा उनके वेस्ट साउथ वेस्ट में, बेसिकली उन्होंने छोटा सा गार्डन बना रखा था, वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर प्लांट्स हैं तो वहां पर डिस्टर्बेंस आएगी ही आएगी। घर के जो बड़े थे उनको प्रॉब्लम थी सेविंग्स नहीं हो रही, और घर के जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनको प्रॉब्लम थी कि उनकी एजुकेशन में बाधाएं आ रही हैं, उनसे वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं बैठ पा रहा है। मैंने बोला कि आप सबसे पहले काम करेंगे अपने यहां से जो आपने पौधे लगा रखे हैं वो हटाएंगे, बिल्कुल हटा देंगे। उनकी जो ग्रैंड माँ थी उन्होंने बड़ा चिक चिक किया, अरे कैसे पौधे कैसे हटवा रहे हो, ये कौन सा वास्तु है, ये है वो है। मैंने कहा देखो माता जी, आप चाहती हो अगर आपका पोता कुछ बन जाए और कुछ कर ले तो प्लीज यहां से पौधे हटा लो। एक्चुअली उनके घर में परेशानी ये थी कि अगर वो वेस्ट साउथ वेस्ट में पौधे नहीं रखते, क्योंकि उनकी बालकनी वेस्ट साउथ वेस्ट में पड़ रही थी, तो अगर वो वहां पर पौधे नहीं रखते तो पूरे घर में और कहीं जगह नहीं बनती वेस्ट मतलब पौधे रखने की। तो फाइनली उनको कन्विंस किया गया, मैंने कहा बेटा तुम ही कन्विंस करो अपनी दादी को, उनको कन्विंस किया गया और वहां से पौधे हटाए गए। एंड आज मैंने बताया ना, ही इज एन आईएएस ऑफिसर, मतलब obviously बात है, it's not that कि वो west south west में पौधे हटाने से आईएएस ऑफिसर बन गया, लेकिन simply कहने की बात, जो मुद्दे की बात है, वो सिर्फ इतनी है कि उसका motive पहले से ही था, लेकिन उसको जो problem आ रही थी कि वो चाहकर भी पढ़ नहीं पा रहा था, वो concentration नहीं कर पा रहा था, पढ़ाई में concentrate नहीं कर पा रहा था, ये जो problem आ रही थी, वास्तु problems को हटाता है, वास्तु आपको आपके गोल तक
पहुंचाता नहीं है, वो तो आपको खुद ही चलकर जाना पड़ेगा। गोल तक पहुंचने में जो दिक्कतें आ रही होती हैं उन दिक्कतों को हटाता है। तो वास्तु का मतलब ही सिंपली ये है। मैं हमेशा बोलती हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी मतलब मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी लोगों को रिप्लाई करती हूँ, मैं न्यूमरोलॉजिकली भी लोगों को रिप्लाई करती हूँ, लेकिन मैं हमेशा 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 लोगों को बोलती हूँ प्लीज अपने घर में जरूर देखो। आप कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल उपाय कर रहे हो, कोई भी न्यूमरोलॉजिकल उपाय कर रहे हो, लेकिन अगर वास्तु के हिसाब से घर में चीजें डिस्टर्ब है, और ये छोटी छोटी चीजें वास्तु के हिसाब से अगर घर में डिस्टर्ब है, तो आपको कभी भी 100% बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मेरा हमेशा ही रहता है कि मैं लोगों का घर, काश मैं लोगों का घर वीडियो कॉल पर ही देख सकूं, लिटरली में, मतलब मैं मेरी अपनी पूरी तमन्ना रहती है, काश मैं लोगों के घरों का चार्ट देख सकूं, उनके घरों का चार्ट देखकर उनको वीडियो कॉल पर बता सकूं कि क्या चीज कहां कैसे किधर रखनी है, प्रॉब्लम के हिसाब से आपके घर में क्या चीज गलत रखी होगी। एंड पता नहीं, विद गॉड्स ग्रेस, मुझे जब सामने वाला बोलता है तो मुझे दिखाई ही सिर्फ वो जोन देता है जहां पर प्रॉब्लम होती है। तो कई बार एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन में भी और कई बार न्यूमरोलॉजिकल कंसल्टेशन में भी मैं लोगों को यही बता रही होती हूँ, आपके घर में ना ये चीज गलत रखी है, आपके घर में ये चीज गलत रखी है। और कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, मैम आपको दिखाई कैसे दे रहा है, ये तो ऑडियो कॉल है। मैंने कहा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो बोलते हैं सामने से, लेकिन आप जो बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो। मैंने कहा मुझे दिखाई नहीं दे रही, तो आप मुझे बोल बोल के बता रहे हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो जैसे ही आपने बोली प्रॉब्लम, मुझे आपके घर में रखी हुई गलत चीजें दिखाई देने लग जाती हैं, कुछ भी कह लो इसे। इसी वजह से शायद सीए छोड़ के, सीएस छोड़ के आज मैं वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि इट इज एक्चुअली यू नो मिरेकल, एक्चुअली मिरेकल है। ठीक है, तो चलिए, तो आपको समझ में आया कि वेस्ट साउथ वेस्ट में क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। वहां पर ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए, वहां पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो कि बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करे पढ़ाई से। अगर वहां पर कुछ भी ऐसा होगा तो डिस्ट्रैक्शन बनी रहेंगी पढ़ाई में। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच आज के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।